नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। पंचायतों में आने वाली है बम्पर बहाली। बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग में 9000 लिपिक की नियुक्ति होनी है, यानी कि 9000 क्लर्कों के लिए वैकेंसी आना है। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इन पदों के सृजन के सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, जिसमें इसकी योग्यता आदि तय की जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लिपिकों यानी कि कर्मचारियों की तैनाती पंचायतों के कार्यालयों में की जाएगी। पंचायतों में हो रहे कार्यों से संबंधित कागजात का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, खर्च का भी हिसाब रखेंगे। आपको बता दें कि पंचायतों में ऐसे कर्मियों की कमी विभाग महसूस कर रही है। इसे देखते हुए इसकी अस्थायी नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य में 8387 ग्राम पंचायतें हैं। इसी को देखते हुए 9000 पदों के सृजन को लेकर विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। आपको बताते चलें कि अभी पंचायतों के सिर्फ पंचायत सचिव ही हैं जो कि अस्थायी रूप से बहाल है। पंचायत सचिवों में भी अधिकांश पद रिक्त हैं। आपको बता दें कि 8387 पंचायतों में करीब 2500 पंचायत समिति ही अभी कार्यरत है। इसी को देखते हुए विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को 3161 पंचायत समितियों की नियुक्ति की अधियाचना भेजी है। वहीं दूसरी ओर पंचायतों के नियमित रूप से ऑडिट होता रहे, इस मकसद से विभाग ने अंकेक्षक संवर्ग का भी गठन किया है। इसमें 589 पद सृजित किए गए हैं। इसमें 381 अंगक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। इस तरह आने वाले समय में ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में अस्थायी नियुक्तियां आने वाली है। बिहार में जिस तरह से नल जल योजना के कार्यों का विस्तार हुआ है और आम लोगों की तरफ से लगातार सरकार की योजनाओं में विसंगतियों का मामला सामने आया है, इन सभी कार्यों को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है। बिहार सरकार पंचायतों में पंचायत भवन बनवाने की भी बात कर रही है। इसके साथ ही बिहार सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अब मुखिया अपने कार्यों से संबंधित सभी फाइल पंचायत भवन में रखेंगे। इसके साथ ही वे पंचायत भवन में बैठेंगे भी और आम लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगे। इतना ही नहीं, इस बार तो यह भी कहा गया कि अब मुखिया जी को कंप्यूटर पर काज करना होगा या फिर करवाना होगा। बिहार सरकार गांव को मजबूत बनाना चाह रही है। बिहार सरकार ने यह भी कहा कि पंचायत स्तर पर होने वाले सभी कामों का लेखा जोखा ऑनलाइन होगा, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहेगी। कोई भी व्यक्ति यह आसानी से जान सके कि इस कार्य में कितना खर्च हुआ है और यह पैसा किस तरह से खर्च हुआ। कार्यों की पारदर्शिता होने से लोगों का सरकार पर विश्वास बना रहता है। यही वह कारण है कि अब बिहार सरकार लगातार गांव की पंचायतों में कर्मचारियों की नियुक्ति करवाना चाहती है, जिससे कि पंचायतों में होने वाले कार्यों में तेजी आ सके और पारदर्शिता बनी रहे। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई है। गाँव में चुनाव को लेकर चर्चा तेज है। अभी उम्मीदवार मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। इधर निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिहार में इस साल 10 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि एक जिले में एक ही बार मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि मतदान के अगले दिन ही वोटों की गिनती भी हो जाएगी। फिलहाल चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच में ईवीएम खरीद को लेकर पेंच फंस गया है। ऐसे में अब यह मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया। पटना हाईकोर्ट से स्पष्ट संकेत मिलने के बाद ही चुनावों की तारीखों की घोषणा की जाएगी। तो ऐसे में पंचायतों में की तरफ से दो खबरें, एक तो कि बम्पर बहाली आने वाली है, दूसरा इस साल पंचायतों में चुनाव होना है। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।